माय लवली व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ्फुज से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको गुप्ता एम्पायर के थर्ड पार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। नाजरीन, अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसे पूरा ज़रूर देखिए, ताकि गुप्ता एम्पायर को समझने में कोई दुश्वारी ना हो। मैंने वीडियो के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो इसके ज़रिए भी वीडियो को देख सकते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद्रगुप्ता 2 की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इनके टाइम पर गुप्ता एम्पायर कहां तक फैला हुआ था। नाजरीन, ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, लिहाजा इसे इन तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाहिर किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। समुद्र गुप्ता के मरने के बाद इनका बेटा चंद्रगुप्ता 2 375 AD में गुप्ता एम्पायर के थ्रोन पर बैठा। तख्त पर बैठने के बाद इन्होंने अपने दादा की पॉलिसी मैट्रिमोनियल अलायंस को फॉलो करते हुए बहुत सारे रॉयल फैमिली के साथ रिलेशन बनाई। इस पॉलिसी के तहत इन्होंने सेंट्रल इंडिया में मौजूद नागा फैमिली की प्रिंसेस कुवीरा नागा से शादी की और बदले में इन्हें ज़मीन का एक हिस्सा मिला। इसके अलावा इन्होंने वकाताका के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए अपनी बेटी प्रभाती की शादी रुद्रसेना 2 से कर दी। वकाताका महाराष्ट्र के स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे और ये लोग गुप्ता एम्पायर के नेबर्स थे, लिहाजा इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करने और अपने एम्पायर को बचाने के खातिर इनके साथ रिलेशन बनाई। इसके अलावा इन्होंने अपने पॉलिसी के तहत कर्नाटका के कंडम्बा फैमिली की प्रिंसेस के साथ भी शादी की और इनके साथ भी ताल्लुकात बनाए। चंद्रगुप्ता 2 की सबसे बड़ी अचीवमेंट मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को कॉन्क्विस्ट करके इसे अपने एम्पायर में शामिल करना था, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज पर काफ़ी सेंचुरी से साकास की हुकूमत थी। चंद्रगुप्ता 2 ने साकास को हराया और इनकी एम्पायर को अपने एम्पायर में शामिल किया। साकास पर हमला करने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि ये काफ़ी सेंचुरी से इन कंट्रीज पर हुकूमत करते आ रही थी, बल्कि चंद्रगुप्ता 2 ने अपने दो मकसद के तहत इन पर अटैक किया था। इन पर हमला करने की पहली वजह ये थी कि साकास काफ़ी पावरफुल थे और ये गुप्ता एम्पायर के नेबर्स थे। अगर साकास को हराया नहीं जाता तो साकास गुप्ता एम्पायर पर हमला करते, जिससे गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो जाता। ये गुप्ता एम्पायर के लिए काफ़ी डेंजर था। दूसरी वजह ट्रेड और कॉमर्स थी। चंद्रगुप्ता 2 रोम के साथ तजारती ताल्लुकात कायम करना चाहते थे और ये सिर्फ गुजरात पोर्ट के जरिए हो सकता था, मगर इन पोर्ट्स पर साकास का कब्जा था, लिहाजा चंद्रगुप्ता 2 के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो साकास को हराए। लिहाजा इन्होंने साका को हराया और इनके पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। अपनी हुकूमत कायम करने और गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा को अपने एम्पायर में शामिल करने के खातिर इन्हें साकास के साथ जंग करनी पड़ी। जंग में इन्होंने रुद्रसेना को, जो साका सतराज के लास्ट किंग थे, इन्हें हराया और इन्हें जान से मार दिया। इस तरह गुप्ता एम्पायर की हुकूमत अब ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से लेकर वेस्ट में अरेबियन सी तक कायम हो चुकी थी। उज्जैन को जीतने के बाद इन्होंने उज्जैन को अपना सेकंड कैपिटल चुना। चूँकि गुजरात के पोर्ट पर अब इनका कब्जा हो चुका था, लिहाजा अब ये लोग रोम के साथ तजारती ताल्लुकात कायम करने लगे और ये लोग बेरोक टोक रोम के साथ तजारत किया करते थे। इसके बाद चंद्रगुप्ता ने साकास को हराने के बाद खुद के लिए एक टाइटल यूज़ किया जिसका नाम सकारी था। चंद्रगुप्ता 2 की हुकूमत के बारे में हमें महरोली इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये इंस्क्रिप्शन कुतुब मीनार के करीब दिल्ली में वाक़ है। ये एक आयरन का बना हुआ पिलर है जिसमें चंद्रा नाम का इस्तेमाल किया गया है। ये पिलर ये दिखाता है कि चंद्रगुप्ता 2 की हुकूमत वेंगे आज की बंगाल में भी थी और साथ ही साथ इन्होंने बैक्टीरिया पर भी अपनी हुकूमत कायम की थी। हिस्टोरियन का कहना है कि वेंगे समुद्रगुप्ता के वक्त में गुप्ता एम्पायर की एक स्टेट थी, मगर इन्होंने चंद्रगुप्ता 2 के वक्त में बगावत शुरू कर दी, लिहाजा चंद्रगुप्ता 2 ने इनकी बगावत को कुचल दिया और इसे अपने स्टेट में दोबारा शामिल कर लिया।
चंद्रगुप्ता टू को अपने फादर से हिरिडिटी में एक बहुत बड़ी एम्पायर मिली थी, मगर इन्होंने अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा वसी कर दिया। इन्होंने अपने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अपने कॉन्क्वेस्ट के जरिए अपने एम्पायर को काफ़ी फैलाया। इनकी रूलिंग पीरियड अमन और सुकून से भरी थी। ये अपने मजहब के साथ साथ दूसरे मजहब और किड्स की इज्जत करते थे और इनके दरमियान टॉलरेंस बनाए रखते थे। इनकी हुकूमत के बारे में हमें चाइनीज ट्रैवलर फाहिन के अकाउंट से बहुत कुछ जानने को मिलता है। चूंकि चंद्रगुप्ता टू ब्राह्मणिकल रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, मगर जब फाहिन हिंदुस्तान आए तब इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को पाया। इनके एम्पायर में बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज मौजूद थी। इसके अलावा इनके आर्मी के जनरल एक बुद्धिस्ट थे और इनके मिनिस्टर सिर्फ को फॉलो करने वाले थे, मगर इन्होंने इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और इन्हें अच्छी पोजीशन भी दी। इसके अलावा चंद्रगुप्ता टू ने अपने सेकेंड कैपिटल उज्जैन में 9 जेम्स कायम की थी। 9 जेम्स एक ऐसे पत्थर को कहते हैं जो बहुत कीमती होती है, जो दुनिया में बहुत रेयर पाई जाती है। लिहाजा इसी नाम पर चंद्रगुप्ता टू ने अपने सेकेंड कैपिटल उज्जैन में 9 लोगों पर मुश्तमिल 9 जेम्स कायम की थी। इनमें ऐसे लोग शामिल थे जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते थे। इन्हीं 9 जेम्स में कालिदास शामिल थे। इन्हीं में कालिदास शामिल थे जो संस्कृत के एक बहुत बड़े पोइट थे। वीवर्स, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको बायोग्राफी ऑफ चंद्रगुप्ता टू और इनके 9 जेम्स के बारे में बताया है। मैं आपको अपने अगले वीडियो में कुमारा गुप्ता और स्कंदा गुप्ता के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इनके कल्चर के बारे में भी डिस्कस करूंगी। नाजरीन, आई होप ये वीडियो आपके लिए कारामद रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ नाजरीन, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। आपकी एक लाइक से मेरी मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। साथ ही साथ मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में लिखिए, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।